नमस्ते, आप सबका टूथसम ग्रह के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम आए हैं आज एक और नवरात्रि व्रत रेसिपी लेकर, डे 4। आज की हमारी रेसिपी होगी व्रत के चावल और व्रत का रायता। जी हाँ, आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं वो है बीटरूट का रायता और समा के चावल की खिचड़ी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले टूथसम ग्रह के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और कमेंट कीजिए और ढेर सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। आधा कप समा के चावल को हमें करीब आधे घंटे तक पानी में भिगो के रखना है। फिर हम मिक्सर के बर्तन में डालेंगे 4 हरी मिर्च, भुने हुए सेंगदाने करीब 1 कप और 1 छोटा चम्मच जीरा, और इसे हम बारीक पीस लेंगे। चलिए अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। देखिए, भीगा हुआ समा का चावल, मूंगफली का मिक्सचर पीसा हुआ, 6 से 7 काजू, अदरक की पेस्ट, 10 से 12 अक्खी मूंगफली, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच घी, 1 मीडियम साइज का उबला हुआ आलू, सेंधा नमक स्वाद अनुसार और 2 हरी मिर्च। गैस पे रख देंगे हम एक कढ़ाई, इसमें डाल देंगे करीब 1 बड़ा चम्मच घी, 1 छोटा चम्मच हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, कटी हुई हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। जब ये तीनों अच्छे से भून जाएंगे हम इसमें डाल देंगे काजू और उन्हें भी हल्का रोस्ट कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे पीसी हुई मूंगफली का पाउडर और इसे भी अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। ये सब अच्छे से रोस्ट होने के बाद हम इसमें डाल देंगे भीगे हुए समा के चावल और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं आप सबको बताने जाऊंगी सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक, जिससे आपका समा का चावल बहुत ही बेहतर पकेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका समा चावल एकदम सॉफ्ट बने तो 1 कप समा चावल के लिए 1.5 कप पानी डालिए। अगर आप उसे दरदरा चाहते हैं तो 1 कप समा चावल के लिए 1 कप पानी डालें। मैंने 1.5 कप डाला है पानी और फिर हमने इसमें डाल दिया है सेंधा नमक। ये सब अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए उबले हुए आलू और मूंगफली और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। एक बॉईल आने के लिए रखेंगे और फिर इसे हम ढक देंगे ताकि ये चावल पक जाए अच्छे से। बीच बीच में चेक करते रहना है। देखिए, इसमें थोड़ा सा पानी भी और बचा है तो दोबारा से हम इसे ढक के पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए, हमारा चावल एकदम सॉफ्ट और बहुत अच्छे से बन गया। चलिए अब बीटरूट का रायता बनाते हैं। सबसे पहले हमने लिया है 1 बॉईल किया हुआ बीटरूट, सेंधा नमक, 70 ग्राम दही, हरा धनिया ऑप्शनल है, फिर अदरक की पेस्ट लगेगी 1 छोटा चम्मच और 2 हरी मिर्च। सबसे पहले हमें जो बॉईल किया हुआ बीटरूट है उसे खींच लेना है। बीटरूट हमारा खींच के तैयार हो चुका है। गैस पे हम चढ़ा देंगे एक कढ़ाई, उसमें डाल देंगे थोड़ा सा घी, फिर हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और डाल देंगे थोड़ा सा अदरक का पेस्ट, इसे भून लेंगे और फिर हम डाल देंगे हमारा खींचा हुआ बीटरूट। बीटरूट को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सेंधा नमक डालना है करीब 1 छोटा चम्मच और हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमने ऑलरेडी बॉइल्ड बीटरूट लिया है। अगर आप कच्चा बीटरूट ले रहे हैं तो आपको इसे 5 से 10 मिनट तक पकाना पड़ेगा, फिर आप इसका रायता बना सकते हैं। चलिए, ये हमारा रेडी हो गया है। अब एक कटोरी में हम लेंगे करीब 70 से 100 ग्राम दही और इसे अच्छे से हमने फेंट लिया है। फिर हम इसमें डाल देंगे हमारा पीसा हुआ बीटरूट जिसे हमने तड़का लगाया था और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। टडा, हमारा रायता रेडी हो चुका है। देखा कितनी सिंपल रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
चलिए हम फटाफट से इसे सर्व कर लेते हैं। ये रेसिपी आप घर पे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसी बनी थी। नवरात्रि स्पेशल व्रत की रेसिपीज़ देखने के लिए और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टूथसम ग्रब को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।